प्रोटेस्ट का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऊंची और नीची किस्म की राजनीति वो करते हैं और जो घटिया बयान वो देते हैं उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रविंदर रैना को ये समझना चाहिए कि एक भारतीय होकर दूसरे भारतीयों पर वो इल्जाम लगाते हैं कि वो देशद्रोही हैं, पाकिस्तान से मिले हैं, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं एक जवाब देना चाहता हूं उनको, अगर वो बिना सबूत के कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग पाकिस्तान से मिलकर कुछ ऐसा कर रहे थे, तो एक नागरिक होकर, एक भारतीय होने के नाते मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात में 1% भी सच्चाई है मैं मान लू, तो आप सबूत लाइए। आपकी सरकार है दिल्ली में भी और गवर्नर भी, आप कहते हैं हमारा आदमी है, तो सबूत लाइए। एक नागरिक होने के कारण, भारतीय होने के कारण मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर आपके बात में 1% भी सच्चाई है। लेकिन अगर सिर्फ गंदी राजनीति के कारण आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपको कान पकड़ के, रविंदर रैना जी, आपको कान पकड़ के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और मुंह काला करके घूमना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी राजनीति की एक वोटों के कारण आप एक भारतीय को देशद्रोही बोल रहे हो, उनके ऊपर इतना गंदा आरोप लगा रहे हो। एक कारण ये है, इसलिए हमने इनका पुतला फूका। दूसरा, आपने देखा होगा हमने इनकी फोटो के आगे फूल भी चढ़ाए हैं और गेट वेल सून क्या नारा भी दिया है। उसका मतलब यह है कि यहाँ तक मैं समझता हूँ एक भारतीय दूसरे भारतीय को इतनी ओछी और गंदी बात नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान से मिले हैं। इसलिए मुझे लगता है एक रीजन ये भी हो सकता है बोलने का कि हो सकता है उनकी मानसिक हालत जो है वो बिगड़ गई है, वो यहाँ से दिमाग से बीमार हैं। अगर ऐसी बात है तो हम ऊपर वाले से, परमात्मा से दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो, उनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए। और रविंदर रैना जी को फिर अगर ऐसा है तो एक ही सच्चे दिल से बोलूंगा, रविंदर रैना जी, गेट वेल सून।